दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान संगठन का बड़ा ऐलान, दिल्ली की करेंगे घेराबंदी, नहीं मानेंगे सरकार का फैसला। वहीं किसानों के ऐलान से बड़ी दिल्ली की मुसीबत, दूध सब्जी की हो सकती है किल्लत, सड़कों पर जाम झेलने को रहे तैयार। वहीं खत्म नहीं होगा अन्नदाताओं का प्रदर्शन, अमित शाह की अपील पर किसान बोले बातचीत के लिए सशर्त न्योता ठीक नहीं। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों पर अमित शाह का असदुद्दीन ओवैसी को तगड़ा जवाब, बोले एक बार मुझे लिख कर दे दें मैं उन्हें देश से निकाल दूंगा। वहीं किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस बोली काले कानूनों के खत्म होने तक लड़ाई रहेगी जारी, प्रधानमंत्री तुरंत करें बात। वहीं रजनीकांत आज ले सकते हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनावों पर फैसला, करेंगे बड़ा ऐलान। वहीं योगी पर असदुद्दीन ओवैसी का तगड़ा हमला, बोले तुम्हारा नाम बदल जाएगा लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41,810 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 93,92,920 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 496 लोगों की मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, बोले दिल्ली की करेंगे घेराबंदी, नहीं मानेंगे सरकार का फैसला। जी आपको बता दें कि किसानों से जुड़े कृषि बिल के विरोध को लेकर किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह की पेशकश के बाद अपना फैसला सुना दिया है। किसान संगठनों ने अपने इस फैसले में कहा है कि हम कभी भी बुराड़ी ग्राउंड नहीं जाएंगे और दिल्ली के सभी 5 हाईवे को ब्लॉक करके दिल्ली की पूरे तरीके से घेराबंदी करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब के किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। इस दौरान सिंधु बॉर्डर पर 30 किसान संगठनों की मीटिंग हुई है। पहले राउंड की मीटिंग खत्म हो गई है और इस तरीके से इस दौरान यह तय हुआ है कि सभी किसान संगठनों से जुड़ी संगत दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में ही रहेगी। आपको बता दें कि किसानों ने कहा है कि जिस तरीके से देश के गृह सचिव की कल रात चिट्ठी आई थी और उसमें गृह मंत्री के बयान के हवाले से जो शर्तें लगाई गई हैं वो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। किसानों ने कहा है कि सरकारी शर्तों में सड़कें खाली करो, बुराड़ी आओ, तब हम आपसे बात करेंगे, इस तरीके की शर्तें बातचीत का प्रस्ताव किसानों ने नामंजूर कर दिया है। आपको बता दें कि अब किसान बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। वो अगली बड़ी खबर, किसानों के ऐलान से बड़ी दिल्ली की मुसीबत, दूध सब्जी की हो सकती है बड़ी किल्लत, सड़कों पर जाम झेलने को रहे तैयार। ये आपको बता दें कि नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों की ओर से दिल्ली के 5 प्रमुख एंट्री पॉइंट को बंद करने का ऐलान राजधानी वासियों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने रविवार को बुराड़ी पार्क जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये एक ओपन जेल है। किसान नेताओं ने कहा कि वो दिल्ली बॉर्डर पर तो आंदोलन करेंगे ही, साथ ही में एंट्री के 5 पॉइंटों को बिल्कुल बंद कर देंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो 5 प्रमुख पॉइंट कौन से होंगे। आपको बता दें कि लेकिन ये तो साफ हो गया है कि अगर किसान अपने आंदोलन की इस नई रणनीति पर चलते हैं तो इसका असर दिल्ली में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में आने वाली खाने पीने की चीजें अधिकतर दूध, फल, सब्जियां सभी बाहर से आती हैं। ऐसे में अगले 1-2 दिनों में दिल्ली वासियों के लिए समस्या पैदा हो सकती है। किसानों ने रविवार को कहा कि सरकार से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन सिंधु और टीकरी बॉर्डर से हटकर प्रशासन द्वारा प्रदर्शन स्थल के रूप में चिन्हित बुराड़ी के मैदान में जाने सहित किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्र द्वारा लागू 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने आ रहे हजारों किसान एक और सर्द रात सड़क पर बिताने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी के सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर रविवार को लगातार 4th दिन जमे हुए हैं। आपको बता दें कि वहीं किसान नेता सरकार द्वारा प्रस्तावित रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों ने बॉर्डर पर ही अपना धरना जमा लिया है। जब तक सरकार उनसे बातचीत करने बॉर्डर पर नहीं जाएगी, किसानों ने कहा है कि वो बॉर्डर से नहीं हटेंगे। वो अगली बड़ी खबर, खत्म नहीं होगा अन्नदाताओं का प्रदर्शन, अमित शाह की अपील पर किसान बोले बातचीत के लिए सशर्त न्योता ठीक नहीं। जो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बातचीत की अपील को किसान मानने को तैयार नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के पंजाब अध्यक्ष जगजीत सिंह ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने सशर्त जल्दी मिलने की बात कही है जो कि अच्छा नहीं है, उन्हें बिना शर्त खुले दिल से बातचीत की पेशकश करनी चाहिए। जगजीत सिंह ने कहा कि इस संबंध में हम आज बैठक करेंगे और फिर अपनी प्रतिक्रिया तय करेंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा था कि सरकार किसान की हर मांग और समस्या पर विचार करने के लिए तैयार है। अमित शाह ने किसानों को बातचीत करने का न्योता भी दिया है। सरकार ने कहा है कि अगर किसान जल्दी ही बातचीत करना चाहते हैं तो फिर वे प्रदर्शन करने के लिए दी गई जगह पर शिफ्ट हों और फिर अगले दिन सरकार उनसे चर्चा करेगी, लेकिन इस मंजूरी को नामंजूर कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील करता हूँ
हूं कि भारत सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। किसानों को कृषि मंत्री ने 3 दिसंबर को बातचीत करने के लिए बुलाया है। सरकार किसानों की मांगों और सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए तैयार है। अगली बड़ी खबर, रोहिंग्या मुसलमानों पर अमित शाह का असदुद्दीन ओवैसी को तगड़ा जवाब, बोले एक बार मुझे लिखकर दे दें मैं उन्हें देश से निकाल दूंगा। जी आपको बता दें कि हैदराबाद के निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आखिरी दिन अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर तगड़ा निशाना साधा। अमित शाह ने हैदराबाद में रोड शो के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असदुद्दीन ओवैसी को करारा जवाब देते हुए रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर कहा कि जब वे कार्रवाई करते हैं तो विपक्षी पार्टियां हायतौबा करने लगती हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल एक बार लिख कर दें कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाल कर देश से बाहर कर दें, फिर मैं कुछ करता हूं। शाह ने तेलंगाना में रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की मौजूदगी को लेकर ओवैसी पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं जब कार्रवाई करता हूं तो ये लोग यानी विपक्षी दल हायतौबा करते हैं। ये लोग एक बार मुझे लिख कर दे दें कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाल दें, फिर मैं कुछ करता हूं और उन्हें देश से निकालूंगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव में बात करके कुछ नहीं होता, जब पार्लियामेंट में बहस होती है तब ये क्या करते हैं सारे देश ने देखा है। दरअसल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अगर हैदराबाद में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं तो अमित शाह कार्रवाई क्यों नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी की इस टिप्पणी का अमित शाह ने तगड़ा जवाब दिया और कहा कि आप मुझे लिखकर दे दें, मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। वह अगली बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन पर बोली कांग्रेस, काले कानूनों के खत्म होने तक लड़ाई रहेगी जारी, प्रधानमंत्री तुरंत करें बात। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने तीनों केंद्र कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली पहुंचने से रोकने के प्रयास को लेकर सरकार पर तगड़ा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। विपक्षी पार्टियों ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री को जहाज की बजाय जमीन पर रहकर किसानों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि काले कानून खत्म होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक सुरक्षा कर्मी द्वारा किसान पर लाठी भांजने संबंधी एक तस्वीर को साझा करते हुए एक ट्वीट किया है और कहा कि बड़ी ही दुखद फोटो है, हमारा नारा तो जय जवान जय किसान था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया है, ये बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना अपराध नहीं, कर्तव्य है। मोदी सरकार पुलिस की फर्जी FIR से किसानों के मजबूत इरादे नहीं बदल सकती। कृषि विरोधी काले कानूनों के खत्म होने तक ये लड़ाई जारी रहेगी, हमारे लिए जय किसान था है और रहेगा। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट के माध्यम से दावा किया और कहा कि भाजपा सरकार में देश की व्यवस्था को देखिए, जब भाजपा के खरबपति मित्र दिल्ली आते हैं तो उनके लिए लाल कालीन डाली जाती है, मगर किसानों के लिए दिल्ली आने के रास्ते खोदे जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि दिल्ली किसानों के खिलाफ कानून बनाए वह ठीक, मगर सरकार को अपनी बात सुनाने किसान दिल्ली आए तो वो गलत है। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी कंपनियों के दफ्तर जा फोटो खिंचा रहे हैं और लाखों किसान दिल्ली के सड़कों पर करहा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि काश प्रधानमंत्री जहाज की बजाय जमीन पर किसान से बात करते। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना का टीका वैज्ञानिक और शोधकर्ता ढूंढेंगे, देश का पेट किसान पालेंगे, लेकिन मोदी जी और भाजपा ने नेता कुछ नहीं करके सिर्फ प्रचार पर केंद्रित हैं। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि हरियाणा में पुलिस का बैरिकेड हटाने के लिए हजारों किसानों पर FIR दर्ज करा दी गई है। कांग्रेस इन किसानों को हर संभव कानूनी सहायता मुहैया कराएगी। वह अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया तगड़ा हमला, बोले तुम्हारा नाम बदल जाएगा लेकिन हैदराबाद का नहीं। जी आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जुबानी जंग तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में कहा कि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हैदराबाद का नाम भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है, तो फिर यहां का प्रस्तावित नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता। भाग्यनगर का मतलब होता है विकास का प्रतीक। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि तुम्हारा नाम बदल जाएगा लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा। भाजपा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में जनसभा की। आपको बता दें कि इसमें इससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया। योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए और देखने के लिए हैदराबाद के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग उनके स्वागत के लिए घरों से निकल आए। रैली में मुख्यमंत्री ने TRS और AIMIM पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने
उन्होंने हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि AIMIM के एक विधायक ने संविधान की शपथ लेते वक्त हिंदुस्तान बोलने से इनकार कर दिया, हिंदुस्तान के नाम पर शपथ नहीं ली। योगी बोले, हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन जब संविधान की शपथ हिंदुस्तान के नाम पर लेने की बात आएगी तो हिंदुस्तान नाम बोलने से संकोच करेंगे। ये AIMIM के असलियत को बताने का कार्य करता है। अगली बड़ी खबर, JDU का RJD और तेजस्वी यादव पर तगड़ा हमला, बोले अपनी राजनीति को डूबता देख डर गए तेजस्वी यादव। जी आपको बता दें कि प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव डर गए हैं। उनकी अकुलाहट, बेचैनी, गाली गलौज की भाषा इसलिए है क्योंकि अपनी राजनीति को डूबता देख वे काफी डर गए हैं। जब कोई डरता है तो उसकी भाषा ऐसे ही बिगड़ जाती है। देखिएगा कहीं ये आपके बोल आपको डुबो न दें। वैसे भी आप चार्ट सीटेड हैं, दावा किया कि अपने पिता की तरह आप भी बड़े घर में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि राजनीतिक मर्यादा को तेजस्वी यादव तार तार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव संस्कार की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त उनका संस्कार कहां चला जाता है जब उनकी जुबान से विधानसभा में अपशब्द निकलते हैं। उनकी बहन मीसा भारती केंद्र के एक मंत्री को हाथ काटने की धमकी देती है। भाई तेज प्रताप यादव देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी देते हैं, उस समय तेजस्वी यादव मौन क्यों रह जाते हैं? आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के राज में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, बिहार में पुलिस व्यवस्था धराशायी हो गई है। अखबारों में पुलिस द्वारा सर्विस वाहन को धक्का मारते छपी तस्वीर वर्तमान व्यवस्था को बताने को काफी है। आपको बता दें कि NCRB द्वारा जारी आंकड़ों के हवाले से दावा किया गया है कि पानी को लेकर विवाद में बिहार में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सरकार मुहैया करा पाने में असमर्थ है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।